है हमारी मोटो बना रही है आज ढोकला जो कि बहुत टेस्टी बनाती है। पता नहीं मुझे फर्स्ट टाइम मैंने खाया है, तो आंटी पीछे से बोल रही है उसको इग्नोर मारना। और ये हमारी दूसरी मोटो आ गई है, तो मोटो ने सब चीज़ तैयार कर दी है। कढ़ाई में पानी डाल दिया 2 ग्लास और ये सारी चीज़ें इसमें इसने जो भी डाला होगा मुझे नहीं पता, मैं लेट आई हूँ थोड़े से। तो देखते हैं कोकिला बहन कैसे बनाएगी कैसे नहीं बनाएगी, कबाड़ा करेगी या फिर मेरी नाक बचा लेगी, देखते हैं क्या करेगी। वैसे बब्बी कह रही कबाड़ा करूंगी, 2-3 घंटे से रखा है ये और भूल गई थी, आधा घंटा और भूल गई थी। मैं आई नीचे, मैंने बोला बनाया नहीं तूने, मुझे सुबह बोला था इसने, तो मैंने बोला मैंने कि बनाया नहीं तूने, कह रही हां मैं तो भूल गई उसको। इसकी गलती नहीं है, बादाम नहीं खाया इसने बचपन में। तो अभी ये ना देश से स्टाइल में बना रहे है, नहीं कुछ भी घर में वैसे बनाने का कि किससे बनाए किससे ना बनाए। वैसे क्यों रख रहे हैं ये, इसने जो भी इसमें डालते हैं चौका वोका लगा के, इसमें इसने बेसन सूजी वगैरह जो भी डाल दिया ये इसने रेडी कर दिया था। 2-3 घंटे इसने ऐसे रखा है, उसके बाद बना रहे हैं। कढ़ाई में इसने पानी डाल दिया अभी और इसमें फिर ये इसको रखेगी और फिर देखो क्या बनता है। अगर ये इसको खराब कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया बना तो खा ही लेंगे। घर पे कुछ भी नहीं है, कढ़ाई में पानी लो, नीचे कटोरी रखो, फिर उसमें प्लेट रखेंगे, ये सब चीज डालेंगे उसमें और फिर ढोकला तैयार हो जाएगा और फिर खा लो आराम से। तो अभी दिखा दूंगी जब आपको बन जाएगा, ठीक है मोटी बहन। तो तब तक ना पानी गर्म हो रहा है, तब तक ये इसको तैयार कर लेगी और अच्छा बना तो मैं आपको भी खिलाऊंगी, अच्छा नहीं बना तो ये खुद ही खाएगी। तो अभी ये दोबारा से इनो डालना है इसमें, इनो तो पहले डालते ना फिर मर्जी है पहले डालो। ये कोकिला जैसी एकदम, अभी मुंह नहीं दिखाएगी, कोकिला लग रही पूरी। हो गए करो फिर, कितने दिन रख, कितनी दिन कह रही कितनी देर रखेगी। ढक देगी कहीं से, कितनी देर रखना है ऐसे? आधा घंटा इसको ऐसे ही रखना है। और ये कितनी तेज करनी है स्लो करनी है? अभी तेज, पहले तेज करना है फिर स्लो करना है इसको, जब थोड़ी सी स्टीम वगैरह इसमें इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद। तो अभी हम ढोकले को स्टीम दिला रहे हैं तो इसको पिंपल भी नहीं आएंगे। अभी मैं और बब्बी ब्रो जा रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि इसको जो स्टीम चाहिए थी वो हो गई है पूरी या नहीं हो गई है। देखिए अच्छा बब्बी बोल रही है चलो चेक करते हैं। हो गया उतार के खा ले। इससे चिपक नहीं रहा, इसका मतलब ही हो गया यहाँ से चिपक रहा है मतलब वहां से कच्चा है, जहाँ से कच्चा है वो बब्बी खाएगी और जहाँ से पक गया है वो मैं आंटी निकिता परविता सब खाएंगे। परविता सही यही है, इसका निक नेम है, उसे रियल नेम बब्बी है। आंटी कैसे हंस रहे? आंटी सच में ये ना मेरे, ये ना मेरे को इसने कुत्ता मारा है ना अभी। आंटी सुनो आंटी, मैं बड़ी हूँ ना, इससे तुम पूछे कि इतने हाथ कैसे चले हैं। हेलो ठीक ठाक हो सब? बब्बी कुछ कहना चाह रही है, बब्बी बोलियो दोबारा ना पढ़ लो गुजर है ना थोड़ी सी। तो बब्बी की उससे बोर हो गई तो बब्बी ने एक ये भिगोना चाय चढ़ा, भिगोना नहीं और भगोना, भगोना एक भगोना चढ़ा दी चाय। बब्बी अभी नींबू नहीं चढ़ रही, बब्बी अभी नींबू नहीं चढ़ रही है। अभी क्या करना है बब्बी ने, देखो ये 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 पहले गंदगी फैलाती है और ये देखो इसमें नींबू निचोड़ रही है, नींबू चाहिए होता है इसमें, इसके बीज बीज नहीं निकालेगी, बीज निकाल दे, बीज निकालेगी और बब्बी के हाथों पर प्लीज मत जाना। बंद कर दिए हैं, आधा घंटा हो गया मतलब 25 मिनट हो गई है। अब इसको निकाले कैसे, अब इसको निकाले कैसे बब्बी बोल रही है। गाइस बताएंगे, कह रही है गाइस बताएंगे। इधर चाय बन रही है, इधर ढोकला बन रहा है, तो ढोकला बन के हो गया है।
फूल गया, ये पप्पी की तरह मोटा हो गया। अभी एक तरीके बनने, अब ये पप्पी की तरह फूलते हुए बाहर आ गया। ये मेरी फ्रेंड है, बहुत प्यारी सी। चल जा बाहर, इतनी भी बड़ी फ्रेंड ना। काली करती कढ़ाई, अब ये कढ़ाई काली करते हुए इसको ना साइड साइड से कट कर दे रही है। अगर ये कच्चा रह गया तो पोपट हो जाएगा बब्बी का, हमारा क्या होएगा, बब्बी का ही होएगा। फूल का बब्बी, बब्बी तो फूल रहा पहले कहीं। मैं कह रही हूँ बब्बी फूल का, बब्बी ना फूल, बब्बी का ही फूल का। तेल दे मम्मी, ये तो चिपक ही गया। गाय ने आज वीडियो बनाई है ना, गाय 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 तुम बहुत गंदे हो। इनको इग्नोर मारना। तो ये अभी सरसों का तेल डाल रही है, कढ़ाई जो कि काली हो चुकी है। कोई नहीं, काली नहीं, वो पानी का निशान आ रहा है। जो भी मुझे देखता है उनको पता है, वो मेरे कितने समझदार है। वो कोकिला बहन जैसे नहीं है, कोकिला बहन हो रही है, करती है, ढोकला भी बनाती हूँ। गोपी बाबू ढोकला ऐसा क्यों बना है? गोपी बाबू को तुमने चीनी नहीं देती। चाशनी डाल रही है बब्बी, जो इसने बना दी है। गरम गरम डालनी पड़ती है मीठी, जिसमें इसने राई सरसों का, मिर्ची का और कड़ी पत्ता का छोका लगाया है। जो भी करना था वो कर चुकी है, हो गया ना बब्बी? अभी खाने लायक हो गया है। पहले बब्बी को ही चखाएंगे, बब्बी टेस्ट बताएंगे तभी हम खाएंगे, क्योंकि हम अपना टेस्ट बिल्कुल बेकार नहीं करना चाहते, बब्बी के मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। स्पंजी बने ना वैसे काफी, तो बब्बी बताएगी पहले कैसा बना है, उसके बाद हम खाएंगे। तो ये बब्बी खा रही है अभी, गरम है, गरम 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 खा के, गरम है। मेहनत लगी है, बहुत टेस्टी बनाए, बहुत ज्यादा टेस्टी बनाए, तो मैं खाने जा रही हूँ अभी। बब्बी ने मेरे को दे दिया, मैं खा रही हूँ, क्योंकि पहले पेट पूजा, बाद में काम दो, जा खा के फिर मैं बताती हूँ। वैसे बहुत टेस्टी बनाया, थोड़ा सा ही टेस्ट कराया बब्बी ने मेरे को पहले। वो आज हमारे घर पे बनाया है मीठा कद्दू, सीताफल और पूरी, मेरी डिमांड पे, मेरे को मेरा फेवरेट है ये। तो मम्मी और टेस्टी बनाती है, और उसमें उसके साथ दही। तो आ जाओ सब लोग खा लो, आप भी। अभी मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी मैंने पूरी वगैरह सारी चीज़ें खा ली हैं, तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय।